हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसे लिखा है खुद नेल्सन रोलिहाला मंडेला ने। ये चैप्टर उनकी एक बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक हिस्सा है। इस बुक में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उसी ऑटोबायोग्राफी में से एक हिस्सा इस चैप्टर में, एक घटना इस चैप्टर में बताई गई है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि वो कौन सी घटना थी। और नेल्सन मंडेला के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिनको 10 मई 1994 में जीत मिली थी। अब आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में दो वर्ग के लोग रहते थे, एक तो काले और एक तो गोरे। वहां पर मई 1994 के पहले वाइट गोरे लोगों का राज था और पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। तो ये सारी घटना उसी दिन की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या जान लेना चाहिए। अपार्थेड एक वर्ड दिया गया है, इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थेड एक ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रेस, उनके जाति के अनुसार पर अलग करता है। अब साउथ अफ्रीका में दो जाति के लोग रहते थे, एक ब्लैक्स और एक वाइट्स। आगे देखते हैं, कैन यू से विच ऑफ दीज थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या तुम बता सकते हो इन तीनों कंट्री में से कौन से देश में अपार्थेड सिस्टम चलता था? तो मैं आपको बता दूं, काले और गोरे लोग साउथ अफ्रीका में, उनके बीच में भेदभाव किया जाता था। तो साउथ अफ्रीका हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा पॉइंट है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। उन्होंने जीवन भर इस अपार्थेड जो सिस्टम था, जिसमें भेदभाव किया जाता था गोरे और कालों में, इस सिस्टम से उन्होंने पूरी लाइफ टाइम लड़ा। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन और इसी कारण से मंडेला को 30 साल जेल में गुजारने पड़े। फाइनली और आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और आखिरकार डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो ही गई। इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में पहली बार 1994 में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला ही आजाद साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। आगे देखते हैं, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस चैप्टर का जो हिस्सा है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, मैंने पहले ही बता दिया है। ऑटोबायोग्राफी, जिस बुक में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, इस पूरे चैप्टर में मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बात करते हैं, द इनॉग्रेशन, किसी चीज का उद्घाटन था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो ये मौका, ये ओकेजन कौन सा रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस आइटम। अब यहां पर नीचे कुछ दिया गया है, उसको पढ़िए और चेक करिए, गेस लगाइए कि क्या, कौन सा मौका ये रहा होगा। ये जो न्यूज है, ये बीबीसी की न्यूज है। बीबीसी, मैं आपको बता दूं, एक न्यूज़पेपर है जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसका एक आर्टिकल है जो कि 10 मई 1994 को छपा था। तो चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, हेडिंग से ही हमें पता चल जाता है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो मौका कौन सा रहा होगा? शपथ ग्रहण समारोह, जिसे हम कहते हैं स्वेयरिंग इन सेरेमनी, ये मौका था और उसी मौके के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने, पहले काले राष्ट्रपति बने, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। लगभग यहां पर साउथ अफ्रीका में 300 सालों तक, 3 centuries, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, लगभग 300 सालों तक व्हाइट लोगों ने यहां पर राज किया था, गोरे लोगों ने यहां पर राज किया था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, नेशनल
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, ठीक है, इसने 252 सीट जीते 400 सीटों में से। साउथ अफ्रीका में 400 सीट थे और 400 सीटों में से 252 सीटों पर नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार चुनाव हुए थे और उस चुनाव में मंडेला, मिस्टर मंडेला की जो पार्टी थी ANC, उसने 252 सीटों से जीत दर्ज की। चलिए आगे देखते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। न्यूज में कहा गया था कि ये उद्घाटन सेरेमनी जो चल रही थी वो कहां पर चल रही थी, यूनियन बिल्डिंग में चल रही थी। अब यूनियन बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखता है, यूनियन बिल्डिंग आप देख रहे हो घुमावदार है, ठीक है, उस घूमने से एक जगह बन जाती है जिसको हम एम्पीथिएटर कहते हैं, स्टेडियम जैसा होता है एम्पीथिएटर। खुले आसमान के नीचे एक स्टेज होता है और अगल बगल कुर्सियां टाइप की बनी होती हैं ताकि लोग वहां पर क्या कर सके, बैठ सके और सुन सके। तो उसी यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई एम्पीथिएटर में, जो कि प्रिटोरिया में था, ये सेरेमनी चल रही थी, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। और यहाँ पर कई नेता और कई इज्जतदार लोग आए हुए थे अलग अलग देशों से, लगभग 140 देशों से आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने कहा कि कभी नहीं, आज के बाद कभी नहीं ये सुंदर सी धरती एक्सपीरियंस नहीं करेगी ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज के बाद साउथ अफ्रीका में कोई भी जाति दूसरे जाति को दबा नहीं पाएगी, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। आगे देखते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वॉइड्स एंड कलर्ड। अब जुबिलेंट सीन्स, हर्षोल्लास का माहौल था, एक सेलिब्रेशन देखी जा सकती थी सड़कों पर, प्रिटोरिया के सड़कों पर। फॉलोड द सेरेमनी, और सेरेमनी में कौन कौन से लोग आए हुए थे, ब्लैक्स काले रंग के लोग, गोरी रंग के लोग, कलर्ड डिफरेंट कलर के लोग आए हुए थे, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ खुशियां मना रहे थे, एक साथ जीत का जश्न मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, और कम से कम 1 लाख साउथ अफ्रीका के आदमी, औरत और बच्चे, जो कि सभी जातियों से थे, वो गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे खुशी से। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हमने अब तक देखा न्यूज़ आर्टिकल में कि साउथ अफ्रीका की जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसकी जीत हुई है। अब आगे देखो, पूरा चैप्टर डिटेल में है। ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिनको उनकी मीनिंग से कॉलम बी में आपको मैच कराना है। आप चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको मैच कराना है, क्योंकि चैप्टर में मैं आपको इन सारे वर्ड्स की मीनिंग बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन जो था डॉन, आसमान खुला था, साफ था, सूरज चमक रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं घिरा रहता था, बिसीज्ड रहता था डिग्निटरीज से, अलग अलग इज्जतदार लोग से, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया भर से आए हुए सम्मानीय लोग, दुनिया भर से आए हुए नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि साउथ अफ्रीका आ रहे थे साउथ अफ्रीका के इतनी बड़ी जीत पर, जो अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी काले लोगों की, उसके लिए रिस्पेक्ट पे करने आ रहे थे वे लोग, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो उद्घाटन समारोह था ये अब तक का, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर पहली बार देश विदेश से इतने बड़े लीडर्स एक साथ इकट्ठा होते, ठीक है।
आगे देखते हैं, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो पूरा सेरेमनी, ये जो पूरा समारोह हो रहा था, ये एक लवली, एक सुंदर से सैंडस्टोन का बना हुआ एम्पीथिएटर में हो रहा था। सैंडस्टोन का मतलब होता है बालू, बालुओं से बनके पत्थर बनता है, और उसी पत्थर से वो एम्पीथिएटर बनाया गया था। एम्पीथिएटर कुछ ऐसा दिखता है, उसी एम्पीथिएटर में ये सारा समारोह हो रहा था जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था। अब देख पा रहे हो आप, यूनियन बिल्डिंग ये है और ये घुमावदार शेप में है, है कि नहीं है? तो इस घूमने से बीच में एक जगह छूट जाती है, उसी को एम्पीथिएटर कहा गया है, ठीक है, जो कि कहां पर था? प्रिटोरिया में था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। दशकों तक, मतलब एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो डिकेड्स मतलब कई सारे 10 साल, कई दशकों से ये जो यूनियन बिल्डिंग थी, यहाँ पर गोरे लोगों की सुपरमेसी थी, गोरे लोगों का राज था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अब आज यहाँ पर रेनबो गैदरिंग देखी जा सकती थी ऑफ डिफरेंट कलर्स। रेनबो गैदरिंग मतलब रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर अलग अलग कलर के लोग देखे जा सकते थे। एंड डिफरेंट नेशन, और अलग अलग देश से आए हुए अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले और अलग अलग रंग रूप के लोग देखे जा सकते थे। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसियल गवर्नमेंट। ये लोग क्यों आए थे? ये लोग साउथ अफ्रीका का जो पहला लोकतांत्रिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट की स्थापना हो रही थी, साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेसी आ रही थी और पहली बार नॉन रेसियल गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट आ रही थी जो कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती थी, जो कि काले और गोरों में फर्क नहीं करती थी, ऐसे गवर्नमेंट की स्थापना के लिए ये सारे लोग यहां पर आए हुए थे। आगे देखते हैं, ऑन दैट लवली ऑटम डे, नेल्सन मंडेला बताते हैं कि बहुत सुंदर सा ऑटम का दिन था। अब मई में कैसे ऑटम डे हो सकता है, तुम सोच रहे हो ना, ऑटम डे कौन सा होता है, फील आ रहा है कि नहीं? ऑटम डे का मतलब होता है जो ठंडियों की शुरुआत होती है, ठीक है, लेकिन मई में तो गर्मियां होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है, हमारे इंडिया में गर्मी होंगी लेकिन साउथ अफ्रीका में ऑटम डे था। तो वही कह रहे हैं कि उस प्यारे से ऑटम दिन में आई वॉज अकंपनीड बाय माय डॉटर जिनानी, मैं वहां पर यूनियन बिल्डिंग में अपनी बेटी जिनानी के साथ वहां पर मैं पहुंचा था। ऑन द पोडियम, और स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क, नाम याद रखना, मिस्टर डी क्लर्क को फर्स्ट स्वान एज एन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। सबसे पहले किसको शपथ दिलाया गया? मिस्टर डी क्लर्क को शपथ दिलाया गया दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पद पर, दूसरे डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें शपथ दिलाई गई। देन उसके बाद आगे क्या हुआ? देन थाबो मबेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मबेकी नाम के एक व्यक्ति को पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ दिलाई गई। When it was my turn, नेल्सन मंडेला कहते हैं जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, मैंने शपथ लिया कि मैं पालन करूंगा और अपहोल्ड करूंगा, रक्षा करूंगा यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसका मैं पालन करूंगा, उसका मैं रक्षा करूंगा। संविधान का मतलब होता है एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा? और कहा कि टू डिवोट माई सेल्फ, मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, यहाँ के जनता के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और इस देश के गणतंत्र के प्रति मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहां पर इकट्ठा हुए मेहमानों से और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से से देख रहे लोगों से नेल्सन मंडेला ने कहा, क्या कहा? Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब अपनी उपस्थिति से confer करेंगे, देंगे glory, सम्मान देंगे और एक आशा जताएंगे इस नई नई मिली liberty के प्रति, इस नई नई मिली आज़ादी के प्रति हम एक आशा जगाएंगे कि अब हमारा देश ऐसा अनुभव फिर आने वाले समय में दोबारा ना करे। कौन सा अनुभव? ये जो apartheid
सिस्टम से उन्हें छुटकारा मिला था, फिर से ऐसा कोई भी दबाव उन्हें आने वाले समय में ना झेलना पड़े. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और उस अनुभव से बाहर निकलकर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब अपार्थेड सिस्टम जो कि भेदभाव अब तक साउथ अफ्रीका में किया जाता था, उन चीजों से बाहर निकलकर दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा था, उससे बाहर निकलकर मस्ट बी बॉर्न सोसाइटी, हमें एक ऐसा समाज बनाना है ऑफ विच All humanity will be proud, जिस पर सारे इंसान गर्व कर सके. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है. We who were outlaws not so long ago, हम सब जिन्हें हम काले लोग जिन्हें आज तक अपराधी समझा जाता था, आज से कुछ ही समय पहले तक have today been given the rare privilege, आज हमें एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, एक दुर्लभ सा सुविधा मिला है to be host to the nations of the world on our own soil, कि हम क्या कर सके, हम होस्ट कर सके, हम मेहमान नवाजी कर सके, हम स्वागत कर सके दुनिया से आए हुए अलग अलग देश के लोगों का अपनी साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने दुनिया भर से आए हुए मेहमानों का फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशंस, जिन्होंने हमारे साउथ अफ्रीका में वो आए और हिस्सा लिया विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ मिलकर हिस्सा लिया. किस चीज में हिस्सा लिया, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक न्याय की जीत थी, फॉर पीस एक शांति की जीत थी, एक इंसान के सम्मान की जीत थी, और इस जीत में दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से आकर सभी लोगों ने हिस्सा लिया और साउथ अफ्रीका के लोगों का हौसला अफजाई किया. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने आखिरकार अपनी जो पॉलिटिकल जो राजनैतिक स्वतंत्रता थी, जो चुनाव करने की स्वतंत्रता थी, जो आज तक हमें वो कानूनी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, अब हम फ्री हैं, सारे बंधनों से आजाद हैं. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम एक शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को लिबरेट करेंगे, आजाद करेंगे फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. किन चीजों से आजाद करेंगे, जो ये लंबे समय से चल रही जो एक बंधन है गरीबी की, डिप्रिवेशन, जो आज तक जो हमें अधिकार नहीं मिला था, जिन अधिकारों से हमें दूर रखा गया था, सफरिंग दुख दर्द से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अगर किसी भी प्रकार की भेदभाव होता था, चाहे वो जेंडर के बेस पर होता हो, चाहे वो किसी भी बेस पर, कलर के बेस पर होता हो, उन सारे बंधनों से मैं शपथ लेता हूं कि मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को आजाद कराऊंगा. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं ऐसा होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर धरती, ये सुंदर देश दोबारा कभी भी अनुभव नहीं करेगा ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अब दबाव नहीं दे पाएगा, गुलाम बना के नहीं रख पाएगा इस साउथ अफ्रीका देश में. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो सूरज उदय हुआ है, जो ये इतना शानदार ह्यूमन अचीवमेंट मिला है हमें, जो ये न्याय पर जीत मिली है, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, चलिए आजादी को राज करने देते हैं. गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे. अब ये ओरल कंप्रहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस, ये जो सेरेमनी, ये जो समारोह हो रहा था, ये कहां पर हो रहा था, ये यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग से बने एम्पीथिएटर में हो रहा था, जो कि कहां पर है, प्रिटोरिया में है. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या तुम किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हो इंडिया में जो कि सैंडस्टोन का बना हो, बहुत सिंपल सी चीज है, लाल किला. ठीक है, आगे चलते हैं. कैन यू से हाउ 10 मई इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, कैसे तुम कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका में 10
10 मई ऑटम का दिन कैसे हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया, साउथ अफ्रीका हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, तो जब इंडिया में गर्मी होती है साउथ अफ्रीका में ऑटम डे होता है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक वर्ड का नाम लिया था, वर्ड था एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था अपार्थेड सिस्टम, एक ऐसी आपदा जो साउथ अफ्रीका वाले झेल रहे थे। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, अब कौन सी अचीवमेंट उन्हें मिली है, उन्हें अपार्थेड सिस्टम से छुटकारा मिला था। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अलग अलग देश से आए हुए लोगों को धन्यवाद क्यों कहा? इसलिए धन्यवाद कहा क्योंकि वो न्याय की जीत में साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ हिस्सा लेने आए हुए थे। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए वो लोग कौन सी, एक लक्ष्य मंडेला ने कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा ना कि वे साउथ अफ्रीका के लोगों को कई दुख दर्द से छुटकारा दिलाएंगे, जैसे गरीबी से, ठीक है, और जो भी भेदभाव अभी तक चल रहा था उन सारी चीजों से लोगों को वहां पर आजाद कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ, और उसके कुछ समय बाद ही, ये सब कुछ जब हो रहा था उसके कुछ समय बाद ही हमने सरप्राइज होकर, ऑ में, ऑ का मतलब होता है सरप्राइज, सरप्राइज होकर अपनी आंखें ऊपर कर ली, लिफ्ट कर ली आसमान की तरफ। As a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. क्योंकि एक शानदार array प्रदर्शन चल रहा था South Africa के jets का, विमानों का, helicopters का और ट्रूप कैरियर्स का। ट्रूप कैरियर का मतलब होता है जो सैनिकों के लिए ले जाने और ले आने वाली जो वाहन होती है, विमान होती है, उसको ट्रूप कैरियर कहते हैं। इन सारी चीजों का प्रदर्शन चल रहा था, रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, ये सब दहाड़ रहे थे आसमान में एक बहुत ही बेहतरीन बनावट, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्म होकर ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। और ये सब चीजें कहां पर हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। आगे देखते हैं क्या होता है, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, और ये सब कुछ प्रदर्शन केवल इस मौके के लिए नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब ये केवल एक मौके के लिए नहीं था, और ना ही तो ये मिलिट्री फोर्स का शक्ति प्रदर्शन था, बल्कि ये क्या था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयलिटी, लेकिन ये एक दिखावा था, ये एक प्रदर्शन था मिलिट्री के देशभक्ति का डेमोक्रेसी के प्रति, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति और एक ऐसे गवर्नमेंट के प्रति दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे चुना गया था बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लोगों के, जनता के वोट से। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, और इन सारी चीजों, ये सब जो विमानों का प्रदर्शन चल रहा था, इनके कुछ देर पहले ही द हाइएस्ट जनरल, जो उच्च अधिकारी थे, जो हाई पोस्ट पर, जो वहां पर जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के, मिलिट्री फोर्स के और पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे, उनके चेस्ट, जिनके चेस्ट बेडक्स थे, मतलब सजे हुए थे रिबन्स से और मेडल्स से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, वो मेडल्स, वो रिबन्स जो उन्होंने जीते थे पिछले कई वॉर्स में, पिछले कई बहादुरी के काम उन्होंने किए होंगे, तभी उन्होंने वो मेडल्स को जीते थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट कर रहे थे और शपथ ले रहे थे अपनी देशभक्ति का। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई को मैं नहीं भूला था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कि आज से कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे लेकिन मुझे अरेस्ट कर लेते थे, क्योंकि उनकी नजर में मैं क्या था, एक
प्रदर्शनकारी था, एक रिवोल्यूशनरी था, एक हक के लिए लड़ने वाला इंसान था, और इसीलिए मैं उनकी नजर में अपराधी था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, और आखिरकार एक चेवरॉन, चेवरॉन का मतलब क्या होता है, यहां पे लिखा गया है अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, वी शेप का एक पैटर्न इम्पाला जेट्स का, मतलब आप समझ सकते हो जो जेट्स थे ऐसे, फिर ऐसे, 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 इस तरीके की एक वी शेप बना रहे थे ये, है ना, ये वी शेप बन रहा है कि नहीं, इस तरीके के जो इम्पाला जेट्स थे, इम्पाला जेट्स का साउथ अफ्रीका के जेट्स हैं ये, उन्हीं का नाम है इम्पाला जेट्स। तो फाइनली आखिरकार एक इम्पाला जेट्स का चेवरॉन क्या कर रहा था, लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो ये चेवरॉन था इम्पाला जेट्स का, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये अपने पीछे ट्रेल ऑफ स्मोक, धुएं छोड़ रहा था, कौन से कलर का, आप देख सकते हो ब्लैक, ब्लैक कलर का, उसके बाद कौन सा कलर था, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, गोल्ड कलर का, और ये सारे कलर साउथ अफ्रीका के नए झंडे थे, ये जो जितने भी कलर ये जेट्स छोड़ रहे थे अपने पीछे, ये सब साउथ अफ्रीका के नए झंडे में समाहित थे। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये जो दूसरा पार्ट है मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा, हमारे चैनल के साथ बनी रहिए यार, एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि इतना ज्यादा एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना सच में बहुत डिफिकल्ट है यार, और आपसे इसके बदले में एक चीज चाहता हूं यार, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।